भाई व्हाट हैपेंस इन नैनीताल स्टेज इन नैनीताल, तू चिंता मत कर। हाय भाभी कहाँ है? लखनऊ में है। तूने जाने क्यों दिया? अरे भाई उसने कहा कि उसे खुद के साथ टाइम चाहिए। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना कपिल, हम जैसे लड़के खुद के साथ टाइम बिताने से डरते हैं, खुद से नफरत है। और ये जो मॉडर्न टाइप की ऊंचे उड़ने वाली लड़कियां, कोई अपने आप के साथ कैसे रह सकता है भाई? बताओ बे। हमको क्या पता, हम तो तुम्हारे साथ रहते हैं। इसके साथ कौन कौन रहता है पता नहीं। अशोक जी नमस्ते, चित्रा का बाप बोल रहा हूँ। अरे मनोहर जी कैसे हैं आप? आप गए नहीं, मुझे तो लगा आप चले गए होंगे। हैं? चले गए थे कहाँ? ऊपर ऊपर गधे ऊपर। हैं? अब नहीं, मेरा मतलब था कि आपका वो चार धाम का प्रोग्राम था ना, तो मैंने सोचा उसके लिए आप निकल लिए होंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अभी कहाँ। अरे अभी तो आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? समदन जी कानपुर में है क्या? नहीं नहीं सरला तो यही है। अरे आप खुशखबरी तो सुनिए, चित्रा प्रेग्नेंट है। क्या बात कर रहे हैं, कंफर्म न्यूज है? 100% भाई, इसीलिए तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको खबर कर दूं। आप तो बता ही देंगे। नहीं नहीं उसको तो मैं बता ही दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार। अबे जिंदगी का इतना बड़ा काम कर दिया बे, और खबर हमको बाहर वालों से सुननी पड़ रही है। खुद नहीं बता सकते थे कि बहू प्रेग्नेंट है क्या? अभी क्या 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 कर रहा है? असमंजस में हूं कि सीधे हाथ का एक और जड़ दूं, या कि सीधे हाथ का अंगूठा लगा के पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। अरे सुनती हो, तुम्हारे पिसंदी राम ने परचम लहरा दिया भाई। लखनऊ जा रहा हूँ मरुधर कैचिंग मरुधर एंड गोइंग टू लखनऊ। चलो चलो जल्दी चलो।